मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा तेरी राय भी बदलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं आपके साथ देविका पाठक। अक्सर हम देखते हैं कि संसद में बड़े बड़े नेता भी शायर बन जाते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे काफी शायराना अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को शेर सुनाते हुए कहा, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा मेरी राय भी बदलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राज्यसभा के संरक्षक के रूप में जगदीप धनखड़ की भूमिका बाकी भूमिकाओं से काफी बड़ी है। वह जिस आसन पर बैठे हैं उस पर कई गणमान्य लोग बैठ चुके हैं, वह भूमि पुत्र हैं। संसदीय परंपराओं को बखूबी समझते हैं। राजस्थान विधानसभा और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहे हैं। पढ़ने लिखने में उनकी रुचि है, उनकी रूपरेखा बेहद बड़ी है। आप भूमि पुत्र हो, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि किसान के पुत्र, तो मैं तो भूमि पुत्र कहूंगा। राजस्थान के एक गांव से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जैसे बड़े होदे तक आप पहुंचे हैं। संसदीय परंपराओं को आप समझते हैं। 9वीं लोकसभा में आप चुने गए थे और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर में उपमंत्री रहे थे। राजस्थान विधानसभा में MLA और पश्चिम बंगाल में कई साल तक आप राज्यपाल रहे। यहाँ पर सदन में मैं कुछ एक शेर बोला था, शायरी बोली थी, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान देकर मुझे क्यों ऐसा कहे ये बात आपने बार बार कहा है, लेकिन मैं ये दोहराऊंगा कि इसको भी आप बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये सदन का है। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा तेरी राय भी बदलेगी। तो ये कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और ये सदन बहुत सुरली चलेगा और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे हर बात पर आपको सहकार देने के लिए। धन्यवाद। हम आपको बता दें कि आज राज्यसभा के सभापति के तौर पर जगदीप धनखड़ का पहला दिन है। यही कारण है कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भाषण दिया था। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तारीफ करी, उन्हें शुभकामनाएं दी, कहा कि उपराष्ट्रपति किसान पुत्र हैं और उन्होंने सैनिक स्कूल में पढ़ाई की है, इस प्रकार वह जवानों और किसानों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा तेरी राय भी बदलेगी। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।